जय हिंद बच्चों, आज अभी अभी आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं तो अब हम जीके का काम भी शुरू करेंगे। एट क्लास आपको जीके की बुक मिली हुई है, आपको अपना ये सारा काम जीके की बुक में ही करना है, कॉपीज़ में अलग से कुछ काम नहीं करना। तो आज हम जीके की बुक का काम शुरू करेंगे। 6-7 का भी अभी शुरू हुआ है, 8 का भी आप अपनी बुक में ये काम करेंगे, और जब आपको चेक करने के लिए बुलवाया जाएगा तो आप जीके की बुक भी चेक कराने के लिए लेकर आएंगे। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 में आपको सोशल एटिकेट्स बताए गए हैं कि हमें अपने जीवन में अच्छी बातों को किस तरह से लाना चाहिए। मैनर्स एंड एटिक्वेट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ फॉर अ चाइल्ड दैट शुड बी टॉट टू हिम इन हिज चाइल्डहुड। दीज आर द कीज़ टू सक्सेस इन एवरी वंस लाइफ। जो अच्छी आते हैं वो हमें बचपन से ही होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम लाइफ में एक अच्छा व्यक्ति बन सके। तो पहला क्वेश्चन है आपको, राइट डू फॉर दोज दैट यू शुड फॉलो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो आप अगर करते हैं तो आप यस लिख सकते हैं, यस आई डू। फर्स्ट, इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन साइड समबडीज रूम, फर्स्ट यू शुड नॉक एट द डोर एंड देन वेट फॉर द परमिशन टू एंटर। तो अगर हम किसी के रूम में जाने से पहले उसको नॉक करके जाते हैं, परमिशन लेके जाते हैं, तो क्या हम ऐसा करते हैं? यदि हाँ तो यस, और अगर नहीं करते तो नो। तो अगर हम गुड मैनर्स वाले बच्चे हैं तो हम उसको नॉक कर ही जाएंगे। सेकेंड, व्हेन यू ओपन द डोर यू शुड इनवाइट द गेस्ट विद अ स्माइलिंग फेस। जब कोई गेस्ट हमारे घर में आता है तो हम स्माइलिंग फेस से ही उसका वेलकम करते हैं, यस। ग्रीट योर गेस्ट विद नमस्ते और हेलो। हम अपने घर पर आए मेहमानों को हमेशा नमस्ते या हेलो से वेलकम करते हैं। फोर्थ, यू शुड नॉट रीड अदर्स पर्सनल डायरीज और लेटर्स। हमें कभी भी किसी की पर्सनल लेटर्स या डायरीज को पढ़ना नहीं चाहिए। तो आई राइट देयर, यस। फिफ्थ, इफ़ यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स इन योर होम यू शुड स्पेंड सम टाइम डेली विद देम। अगर आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ हैं तो आपको कुछ समय उनके साथ बिताना चाहिए, यस और नो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यस। यू शुड टॉक पोलाइटली एंड आंसर योर एल्डर्स करेक्टली। हमें अपने बड़ों का आंसर पोलाइटली देना चाहिए और ठीक देना चाहिए, उनसे बहस नहीं करनी चाहिए। सेवेंथ, इफ़ यू आर इन्वाइटेड फॉर सम पार्टी और नाइट स्टे और एनी ऑफ योर फ्रेंड यू शुड आस्क योर पेरेंट्स फॉर परमिशन। अगर आप किसी भी दोस्त को अपने घर पर बुलाते हैं रात रुकने के लिए तो उसे अपने मम्मी पापा से परमिशन लेकर ही आना चाहिए। मेकअप योर बेड, या आपको अगर कोई बुलाता है तो आप भी अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर ही जाएंगे। यू शुड नॉट लीव योर वेट टॉवल और डर्टी डिशेज एनी वेयर इन द हाउस, कीप देम इन द प्रॉपर प्लेस। अगर आप घर पर खाना खाते हैं सभी, तो अपने बर्तनों को आपको स्वयं रख के रहना चाहिए और नहाते समय अपने गीले टॉवल को हमेशा बाहर रखना चाहिए, बाहर सूखने। नाइन्थ, मेकअप योर बेडरूम एंड अलमीरा टाइडी, कीप योर बिलोंगिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। हमें अपने घर के बेड को, अपने जगह को, अपनी बुक्स को, अपनी अलमीरा को बिल्कुल साफ रखना चाहिए और चीज़ों को प्रॉपर जगह पे रखना चाहिए। लीव द बाथरूम टाइडी एंड ड्राई आफ्टर यूजिंग इट। अगर हम बाथरूम में जाते हैं तो हमें बाथरूम को क्लीन कर ही बाहर आना चाहिए। इलेवेंथ, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफर योर सीट टू एन ओल्ड पर्सन और अ प्रेग्नेंट वुमेन और अ एल्डरी लेडीज़। अगर आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं और कोई बड़ा आपको दिखता है जिसे सीट नहीं मिली और आप बैठे हुए हैं, तो आपको अपनी सीट उन्हें ऑफ़र करनी चाहिए। ये एक गुड मैनर्स के ही लक्षण है। तो इसको एक बार आप खुद से ज़रूर अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। अब हम करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 भी वही है, बी अ स्मार्ट चाइल्ड। यानी कि अगर आप एक अच्छे बच्चे हो तो उसके लिए एक स्मार्टनेस, एक अलर्टनेस हर बच्चे में होनी चाहिए। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कुछ सिचुएशंस दिए हैं जिसको पढ़कर आपको मार्क करना है कि अगर आपके सामने वो सिचुएशन आ जाएगी तो आप क्या करेंगे। इफ़ यू हेयर अ ब्लोइंग और हिसिंग साउंड फ्रॉम द योर नेबरहुड, अगर आप कोई कुछ भी इस तरह की आवाज़ सुनते हैं या कुछ फायर होता हुआ देखते हैं या आपको लगता है कि आस पड़ोस में कुछ हो रहा है, तो आपको क्या सबसे पहले क्या करना है? यू वुड योर सेल्फ ट्राई टू लोकेट, क्या आप खुद ही उसको ढूंढना वूंढना शुरू कर दोगे, या यू वुड गो टू सेफ लोकेशन एंड इमिडिएटली इन्फॉर्म एन अडल्ट टू नेसेसरी। हमें क्या करना चाहिए? अगर हम कोई भी इस तरह की आवाज़ सुनते हैं तो हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए।
नेक्स्ट सेकंड, इफ़ योर लोकल वेदर सर्विस सिचुएशन इश्यूज वार्निंग ऑफ फ्लड, अगर आपके कोई आसपास फ्लड के लिए आपको बोलता है तो आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे कि यू वुड इन्फॉर्म अदर एज अर्ली एज पॉसिबल एंड मूव टू सम हायर ग्राउंड इमीडिएटली। आप क्या सोचेंगे कि हमारे जो बड़े हैं उनको बताओगे ताकि हम वो जल्द से जल्द उस जगह को छोड़ने का निर्णय ले सकें। थर्ड, इफ़ यू फील अ सीरीज ऑफ ट्रेमोरस एंड अर्थक्वेक, अगर आपको कोई अर्थक्वेक या इस तरह की बातें पता चलती हैं तो आप क्या करेंगे? आप कोई जो आपको कभी कभी स्कूल में भी मॉक ड्रिल्स कराई जाती हैं कि आप फटाफट से अपनी जगह से बाहर आएंगे, खुली जगह पर आएंगे तो बाहर की ओर आएंगे, तो यहाँ पर भी आपके पास है सिचुएशन, यू वुड इमिडिएटली लीव योर हाउस एंड रन ऑन द रोड आउटसाइड। आप अपने घर से खुले स्थान पर बाहर की ओर आ जाएंगे। अब करेंगे हम पेज नंबर 5। पेज नंबर 5, इसमें भी इफ़ देयर इज़ अ लैंडस्लाइड ऑन योर एरिया, अगर आप किसी पहाड़ी जगह पे रहते हैं और वहाँ लैंडस्लाइड हो जाएगी तो क्या करेंगे? यू वुड क्विकली मूव आउट ऑफ अ पाथ ऑन द लैंडस्लाइड ऑन डेब्रिस फ्लो। नेक्स्ट, इफ़ यू नीड रिटर्न होम आफ्टर फ्लड, अगर आप बाढ़ आई थी आपके शहर में और आप बाढ़ आने के बाद जब वो बाढ़ ख़त्म हो जाती है तब घर आते हैं तो क्या करेंगे आप? यू वुड लुक आउटसाइड for damaged power lines, gas lines, foundations, cracks and other etc. damage before entering the house. हमें अपने घर में आने से पहले सारी चीज़ों को चेक करना होगा कि सब कुछ व्यवस्थित है या नहीं। Next, if the local authorities are warning against spread flu in the area, जैसे आजकल कोविड हो रहा है तो आपको सरकार की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से बहुत सारी हिदायतें हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो अगर ऐसा कुछ फ्लू है तो भी हमें अपनी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी उसके नियम हैं, हमें उसका पूरा पालन करना चाहिए। यू वुड अवॉइड टचिंग द योर आइज़, नोज़, माउथ, प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम द एंट्रिंग द बॉडी एंड रेगुलरली वॉश योर हैंड्स। तो आपको ये सब करना चाहिए कि आपको कोई चीज़ को छूना नहीं है, आपको आइज़ को बार बार हाथ नहीं लगाना और अपने हाथों को बार बार धोना है। तो ये था हमारा बी आ स्मार्ट चाइल्ड वाला चैप्टर। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ चैरिटी, चैप्टर 3। इसमें आपको बताया कि चैरिटी जो है वो कहाँ से शुरू होती है। चैरिटी इज़ अ हेल्पिंग, मतलब आप किसी की हेल्प करते हैं उसे बोला जाता है, चाहे वो मनी से करो, चाहे फूड से करो, चाहे क्लोथ से करो, चाहे बुक से करो। कभी कभी आपके स्कूल में भी हम वो बोलते हैं कि आपकी पुरानी बुक्स हैं तो आप किसी को दे सकते हैं। कभी कभी कहीं जब फ्लड आ जाता है तो उनके पास कपड़े नहीं होते हैं तो आपसे हम पुराने कपड़े मंगवाते हैं, गर्म कपड़े कि ये वहाँ पर उन लोगों को दिए जाते हैं जो लोग घर से बेघर हो जाते हैं या उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं होता, उन्हें दिया जाता है। तो आप बहुत सारे वॉलंटियर्स भी बन सकते हैं, पैसों से भी हम कई बार पैसा इकट्ठा करके हम एनजीओस को देते हैं जिससे वो अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। जैसे अभी कोविड के समय बहुत से लोगों ने ऐसा फूड प्रोवाइड किया, रहने की जगह दी लोगों को, और कुछ लोगों को इधर से उधर जाने के लिए उनकी बसेस का, ट्रांसपोर्ट का प्रबंध किया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने उस समय भी नोटिस की होंगी। अब आ जाइए इसके एक्सरसाइज पे। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दी हुई हैं, आपको एक राइट ऑप्शन पे राइट का मार्क करना है। विच वॉज रैंक द मोस्ट जीनियस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द कंस्पेक्टिव एरियाज, अभी तक जितने भी हम, कौन सी कंट्री को बहुत जीनियस माना गया वो है ऑस्ट्रेलिया। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर गिविंग चैरिटी, जो चैरिटी जो है सबसे ज़्यादा किसको दी जाती है? रेफ्यूजीज को। तो यहाँ पर हम सेकंड के सी में मार्क करेंगे राइट का, क्योंकि वो अपना शहर छोड़कर आते हैं तो उन्हें ही ज़्यादा ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की। हु इज़ लिस्टेड एज द टॉप फिलोसफर इंडिया और इंडिया फॉर द ईयर 2015, अजीम प्रेम जी, इस पर आप टिक लगाएंगे। नेम द इंडियन लाइब्रेरियन हु डोनेटेड द एंटायर लाइफ टाइम सैलरी एंड प्राइज मनी टू द एजुकेशन पुअर चिल्ड्रन अर्निंग हिम टू मैन ऑफ मिलेनियम, तो ये कौन थे? कल्याण सुंदरम। तो ये था आपका पेज नंबर 6। अब हम इसके साथ साथ कुछ नेक्स्ट चैप्टर भी कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। तो ह्यूज ट्रीज, तो यहाँ पे आपको कुछ ट्रीज़ के नाम बताने हैं जो बहुत समय से हमारे देश में, मतलब पेड़ आपको क्या देते हैं? फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं,
बहुत सारी मेडिसिंस भी देते हैं। तो इस तरह से कुछ वृक्ष जो हैं वो बहुत ही पुराने समय से चले आ रहे हैं, जिनको जिनका नाम मतलब इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, वो मैं इसके अंदर लिखूँगी और आप भी अपनी अपनी बुक्स में करेंगे। इट इज़ अ कॉमनली नॉन एज बुल बे ट्री फाउंड इन अ फ्लोरिडा। इट इज़ अ मंगोलिया ग्रैंड फ्लोरिया फ्लोरा। इट इज़ द बिगेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, उसको क्या बोलते हैं, जनरल शेरेमन। इट इज़ द ओल्डेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड विच इज़ बिलीव टू बी 9,550 ईयर्स ओल्ड। तो ये कौन सा है, ओल्ड टिसेको। अब है नेक्स्ट, इट हैज़ द वाइडेस्ट ट्रंक विद द डायमीटर 11.60 मीटर। इट इज़ अ एरोबिडल ट्यूल। इट इज़ द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ 1516 मीटर्स। इट इज़ अ हाइपरियन। इट इज़ द लार्ज एवरग्रीन ट्री ग्रोज अप टू 20-30 मीटर्स टॉल। इट इज़ अ सिनेमम कैम्फूर। इट इज़ अ बिग ट्री अ स्पाइसेस नेटिव नॉर्थ अमेरिका फास्ट ग्रोइंग अप टू 50 फीट। इट इज़ फ्रेक्सिनस अमेरिकाना। एंड ना लास्ट इज़ द स्पाइसेस इज़ फाउंड इन द फ्रांस। इट इज़ अबाउट 800 टू 1200 ईयर्स ओल्ड एंड 15 मीटर्स टॉल। इट इज़ अ ओक चैपल। तो ये आपके बहुत से पुराने वृक्षों के नाम हैं जिन्हें आपने अब अपनी बुक्स में लिख के रखना है। अब हमने कर लिया चैप्टर 1-4। और जीके के लिए आपके डेज होंगे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो आज है वेडनेसडे, आज का चैप्टर मैंने आपको दे दिया। फ्राइडे इज़ अ 2 अक्टूबर, तो उस दिन शायद क्लास नहीं होगी, गस्टेड हॉलीडे होता है। तो अब आपकी क्लास होगी मंडे को, जीके की भी और हिंदी की भी। तब हम आगे के चैप्टर्स करेंगे। तो अब चैप्टर 1-4 तक सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स में डेट डालकर कर लेंगे। थैंक यू, गुड डे।